में था। नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं था। अपनी मर्जी से तो मैं आज जो हूँ वो भी नहीं हूँ। मुझे तो अपने मोहल्ले की शांति भैया बनना है यार, जिनके दांत है व्हाइट, फूल है टाइट और जिन्हें पसंद है। अरे उससे कहो कभी मेरा भी उधार लौटा दे। तो मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया है, तो अब तुम लोग मुझे एक रियल यूट्यूबर बुला सकते हो। वैसे मेरी ये खतरे की रिपोर्ट्स है, इसके पीछे मैंने मोम कलर से यूट्यूब लिख दिया था। क्रिएटिविटी, मैंने पूरे एक साल तक कॉलेज गया था क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ नहीं पा रहा था कि कल को मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं ऑटो चलाने वाला ना बन जाऊं। और मुझे ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑटो चलाने वालों के बच्चे इंडियन आइडल तो जरूर जाते हैं। तो मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जाके बोलेगा कि मेरा बाप ऑटो चलाता है, फिर वो लोग पीछे मेरा साइड से रोता हुआ क्लिप चला देंगे। भले मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी ऑटो चला के, ये रवि का बाप है। साला इतना गरीब है कि रवि एक की चार आने वाली टाफी में बस दो ही खरीद पाता है। ये देखकर फिर वो नेहा कक्कर रोएगी। ये एपिसोड को फिर तुम रात में दाल चावल खाते हुए देखोगे। फेक होता है सब, फेक एक्टिंग करते हैं मम्मी ये लोग। WWE लगाओ, संजय धमाल, वो रियल होता है। ये कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज वाले कॉलेज जैसा होगा। तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे, तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। लेकिन फिर तुम सच में कॉलेज जाते हो और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। सारा जब मैं बोलूँ आधा कॉलेज लाल क्यों है? अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज की 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होता सिवाय एक अधमरे से पंखे के। साले को जब चलाओ कोई से नए जानवर की रोने की आवाज आती है। आधा कॉलेज तो इस डर में निकल जाता है कि अभी गिरेगा साला। कैसा पंखा है ये? ऐसे लग रहा है 5 की स्पीड करूंगा तो बोलने लग जाएगा। तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं। और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ, जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। देख भाई देख, तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर, 5-5 के 2 लेके आया कर, इसमें ज्यादा आती है अपन को फायदा होता है। उसी तरह तू ये 5-स्टार मत खरीदा कर 5 की, ये 5 की पैक लेके आया कर, बढ़िया आती है, पेट भरता है। सुन रहे तू मेरी बात भी सुन रहे? और देख, अपन ना कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये एक एक वाली कॉफी वाइट खा लेंगे, तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों का पैसा बच जाएगा। तुम्हारी क्लास में लोंडो के ग्रुप बन रखे होते हैं। और एक तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के लोंडो में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने इतना सा कुछ बोल दिया। आए तू, अरे बंटू चुटकी बजा दो, मेरे से बचती नहीं। हाँ जी प्रोफेसर, मिलते आपसे बाहर। और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहे थे? कोई नहीं है प्रोफेसर, वो मेरी जान। तू इसे लेके? नहीं, मैं नहीं लेके आया इसको। अच्छा अच्छा, बात कर ले तू। लाल बाल वाले लक्की, तेरे को कितनी बार बोला है कोई तेरी जान नहीं बनना चाहता है, तू क्यों आ जाता है सबकी तरफ से? चल जा। हाँ नहीं तो, और प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पीठ पे कोली कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन क्यों पकड़ी हाथ में? भैया चेन नहीं खा रहा मैं, पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, मम्मी को पता चल जाता है, फिर से लड़ाई की मैंने आज। इधर लाल बाल वाले लक्की के मन में चल रहा होता है कि क्या वो किसी को अपनी जान बना भी पाएगा, लेकिन फिर उसे दूसरे कॉलेज की लाल बाल वाली सिमी मिल जाती है। हाँ मेरी जान, क्या मेरी जान, वही ना मेरी जान। और फिर लक्की और सिमी, एक सेकंड, हम ये क्या शूट कर रहे हैं? हमें तो वो कॉलेज वाली वीडियो शूट करने के पैसे मिले हैं। देखो यार, हमें ये कहीं से कहीं निकल जाने की आदत सही करनी पड़ेगी। और अब ना तुम्हारे दिमाग में ये विचार चल रहे होते हैं, मैं तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर बनने आया था, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? मेरे बैंक के नीचे चिंगम कैसे चिप गई? उतने में तुम्हारे चूहे जैसा दोस्त आता है तुम्हारे पास। लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारा मेन कैरेक्टर मोमेंट है, इसलिए तुम लड़ाई के लिए चले जाते हो। वहाँ जाके पता चलता है कि साला मुट्ठी भैया तो वही कॉलेज का सीनियर है जिसने तुम्हें पहले दिन 2 लाफे मारे थे, और तुम अब उसकी तरफ से ही लड़ने आए हो। ए,
नहीं भैया अब तो हमारा लॉयर आएगा। प्रोफेशन के पास लॉयर भी है। कोई नहीं। देखो लौंडे का पूरा मूड पलटा दिया है। 200 रुपए की भारी रकम देनी पड़ेगी, 180 मरम पट्टी के और 20 रुपए की नटखट नाना जी के यहाँ से इमरती या तो कचौड़िया खिलानी पड़ेगी, जिसमें कचौड़ियों का गरम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गरम कचौड़िया खिलाओगे और अगर साथ में चटनी भी रहेगी और हरी मिर्ची तो तभी कुछ हो सकता है। अब जो तुम्हें 200 रुपए महीने भर के लिए पॉकेट मनी मिल रही होती है वो भी इस काम में चले जाती है। और तो और तुम्हारी कॉलेज में कोई लड़की भी नहीं होती है जिसे देखकर थोड़ा अच्छा लगे। 99.9% लड़के भरे हुए होते हैं और ये जो 0.1% है ना ये भी लड़का ही है। बस इस साले की हरकतें लड़कियों वाली है जिससे क्लास के बाकी लौंडे खुश रहते हैं। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई में मनमोहन। तूने देखा ना मनमोहन मैंने अभी क्या किया? ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तूने किया? नहीं तो भाई मैंने कल एक विक्रांत बेताल करके वेब सीरीज देखी थी भाई, उसके अंदर एक बेताल नाम की चुड़ैल पेट पे चिपक जाती है, मेरे पीछे बेताल चिपकी हुई है क्या? अरे बंटे चिपकी होगी, वैसे हर संडे रविवार क्यों होता है? बेताल है मेरे पीछे। मैंने हरा दिया, मेरे बेताल को हरा दिया। अब इतना सब फेस करने की बात तुम्हें समझ तो आ जाता है कि तुम कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज में तो बिल्कुल नहीं जी रहे हो। ऐसा लगता है टेलीग्राम से कोई सीरीज चोर के डाउनलोड की गई है, उसके कैरेक्टर जैसी जिंदगी है तुम्हारी। वैसे चोरी हुई मूवीज और सीरीज से याद आया, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी वेबसाइट पे गए कोई मूवी या वेब सीरीज चुरा ले और तुम देखते हो कि उस वेबसाइट के कोने में कोई रूपा 5 किलोमीटर दूर तुमसे मिलना चाहती है? उस समय तुम अपनी असली हैवानियत दिखाते हो। एक औरत, एक रूपा को तुम्हारी उस समय जरूरत है, वो बेचारी किस हालत में होगी उधर? लेकिन तुम्हें तो बस अपनी मिर्जापुर 2 डाउनलोड होने की जल्दी है। मोंटू चेक करना कितनी डाउनलोड हुई लकी दरेसर पार्ट 6। बची है अभी तो, नेट थोड़ा स्लो है। और कोई रूपा 5 किलोमीटर दूर हमसे मिलना चाहती है? अरे ये फेक है। अबे पानी नहीं क्या? उस औरत को अपनी जरूरत हुई तो चल मेरे साथ अभी। लेकिन मेरे घर के आसपास 10 किलोमीटर तक जंगल ही